हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग एक नए लेसन को पढ़ेंगे जिसका नाम है बिल्डिंग्स टू रिमेम्बर। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम पाठ के नाम को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्डिंग्स का मतलब होता है इमारतें। एक मिनट रुकिए। एवं रिमेम्बर्स का मतलब होता है यादगार, यानी कि हम आज कुछ महत्वपूर्ण जो यादगार याद रहने वाली इमारतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, हियर इज अ चार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, और बिल्डिंग्स का मतलब मैंने आपको बताया ही इमारतें, यानी कि ऐसी इमारतें जो हमें हमारे पूर्वज से प्राप्त हुई हैं, जो हमें हमारे जो हमसे पहले के मनुष्य आए हुए थे उन्होंने जिस तरह के बिल्डिंग्स बनाए, जिस तरह की इमारतें बनाई, वो आज भी धरती पर हैं और वो काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उससे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम इस पाठ में ऐसे ही कुछ बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सबके सामने एक पिक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हो इस पिक्चर, ये दिया गया है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार। और ये कहां पर है? ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है वो नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो गोल्डन टेंपल, यानी कि स्वर्ण मंदिर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? गोल्डन टेंपल अमृतसर में, पंजाब। ठीक है, पंजाब के अमृतसर शहर में हमें गोल्डन टेंपल देखने को मिलता है, जो कि काफी फेमस भी है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा गोल्डन टेंपल का। इसके बाद है चार मीनार। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें इस तरीके की बड़ी सुंदर सी बनी हुई है, यह है आपका चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अगर आपको चार मीनार जाना है तो कहाँ जाना होगा? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद नामक शहर में, तो आप चार मीनार को देख पाएंगे, घूम पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आइए आगे देखते हैं। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे, ये तो वर्ल्ड फेमस है। क्या है ये? पूर्णांक सन टेम्पल, होंडांग का सूर्य मंदिर, जो कि एक बहुत बड़े प्रसिद्ध राजा ने बनवाया था। होंडांग सूर्य मंदिर, और ये कहाँ है? होंडांग ओडिशा, ओडिशा के होंडांग नामक जो स्थान है वहां पर ये होंडांग सन टेम्पल पाया जाता है। ठीक है, और अब ये देखिए यह सुंदर सा स्थान, इसका नाम है हजार दुयारी महल। हजार दुयारी महल, यानी कि पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। हजार दुयारी पैलेस, हजार दुयारी महल। ठीक है, ये कहाँ है? मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। अच्छा, यह स्थान कहाँ है? या तो हमारे अपने ही वेस्ट बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में। ठीक, इसके बाद है देखिए शाहिद मीनार, यह भी जो है वो वेस्ट बंगाल में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में ही कितने सारे हेरिटेज हैं, है ना? शाहिद मीनार, ये कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक, और ये तो आपने देखा ही होगा, नाम भी सुना होगा, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल।
विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहाँ है? ये भी आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण जो है वो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज बिल्डिंग्स है जहां पर आप जाकर घूम सकते हो। तो आइए इसके साथ ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार कहाँ है? ठीक है, जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है कि वेयर इज चार मीनार लोकेटेड, जो चार मीनार है वो कहाँ है? तो आपने इस पिक्चर में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो चार मीनार जो है वो ये रहा, चार मीनार ये कहाँ है? चार मीनार, चार मीनार आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? तो आइए लिख लेते हैं हम लोग इसका आंसर यहाँ पर, H Y D E R A B A D, हैदराबाद आंध्र आंध्र प्रदेश, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच फेमस पैलेस इज लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद? पैलेस का मतलब मैंने आपको बताया ही था महल, और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो बताइए कि मुर्शिदाबाद में कौन सा प्रसिद्ध महल स्थित है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना हजार दुआरी पैलेस, तो आइए लिख लेते हैं हजार HAZ AR DURI, हजार दुआरी पैलेस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? गोल्डन टेम्पल कहाँ है? गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस मोनूमेंट इज सिचुएटेड इन दिल्ली? दिल्ली में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक स्थित है? कुतुब मीनार, याद है ना दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड? मेमोरिया विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट, वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड? कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क का सन टेम्पल तो कोणार्क उड़ीसा में ही है, ठीक है? कोणार्क उड़ीसा, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द नेम ऑफ एनी अदर फेमस मोन्यूमेंट? क्या तुम कोई और जो फेमस, अदर यानी दूसरा, ठीक है, इनके अलावा कोई दूसरा फेमस मोनोमेंट स्मारक का नाम जानते हो? तो हाँ, इससे पहले वाले पाठ में ही तो हम लोगों ने पढ़ा था ताजमहल के बारे में, यदि आपको याद हो, है ना? तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, यस आई नो द नेम ऑफ अदर फेमस मोनूमेंट मोनूमेंट इज ताजमहल, इज ताज महल सिचुएटेड इन, कहाँ पर स्थित था? आगरा में,
फिटेड इन आगरा, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म हुआ, आइए आगे देखते हैं। ओके लेट्स रीड। अब हम जो है एक्चुअली में ये जो पार्ट जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, मीता एंड हर क्लासमेट अ टीम ऑफ 25 वेंट टू बेंडल लास्ट सैटरडे विथ देयर हिस्ट्री टीचर। क्या कह रहा है, मीता और उसके जो क्लासमेट थे यानी कि सहपाठी, टोटल कितने लोगों की टीम थी, 25 लोगों की टीम थी। कहाँ गए थे, वेंट टू बेंडल, बेंडल गए थे, ठीक है। कब गए थे, लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार, किसके साथ, विद देयर हिस्ट्री टीचर, अपने इतिहास के शिक्षक के साथ, ठीक है। यानी कि पिछले सैटरडे को वे बेंडल गए थे अपने इतिहास के शिक्षक के साथ। दे विजिटेड द बेंडल चर्च, अच्छा बेंडल में कहाँ गए थे, बेंडल चर्च गए थे। इट वॉज देयर फर्स्ट आउटिंग, यह इनका पहला बाहर का भ्रमण था। आउटिंग का मतलब होता है बाहर का भ्रमण, ठीक है। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो उसको आउटिंग भी बोलते हैं। तो एवरीबडी, एवरीबडी यानी सभी कोई, वॉज एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्सुक था, ठीक है, उत्साहित जिसको बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, द बस स्टार्टेड फ्रॉम चंदन नगर, बस कहाँ से शुरू हुई, चंदन नगर से, ठीक है। ऑन देयर वे, अपने रास्ते में, द टीचर आक्स, टीचर पूछने से चालू की, देम बच्चों से, वेदर एनी वन हैड विजिटेड द बेंडल चर्च बिफोर, क्या इससे पहले कोई बेंडल चर्च गया है। मोस्ट ऑफ देम, उसमें से अधिकांशतः जो बच्चे थे, हैड नॉट, कभी नहीं गए थे। तो दे रिमेन्ड साइलेंट, तो वो सब क्या रहे, चुप रहे, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है चुप, ठीक है। मीता वाज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब मैं यहां लिख देती हूँ, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का क्या अर्थ होता है, अपवाद का अर्थ होता है जो किसी हर चीज से हटकर हो, ठीक है। मीता जो थी वो सभी बच्चों से पूछा गया कि क्या वो कभी इससे पहले बेंडल चर्च गए हैं, तो सभी बच्चे तो नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मीता जो थी वो उन सभी बच्चों से अलग थी, ठीक है। सी सेड, उसने कहा, सी सेड विथ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, ठीक है, उसने जोश के साथ कहा, यस मैडम, हाँ मैडम, आई हैव विजिटेड द प्लेस बिफोर, मैं इससे पहले उस जगह पर गई हूँ, प्लेस यानी जगह, पहले गई हूँ। तो मैडम क्या कहती है, ओ रियली, सच में, दैट्स ग्रेट, यह तो अच्छी बात है, टेल अस, हमें बताओ, व्हाट दिस प्लेस इज लाइक मीता, वह स्थान कैसा है, सेड द टीचर। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मीता विथ नी इंटरेस्ट, सभी जो थे, एवरीबॉडी का मतलब सभी, सभी जो थे मीता की तरफ देख रहे थे बहुत ही उत्सुक नजरों से। नी इंटरेस्ट का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक, क्या, बहुत ही उत्सुक होकर, रोचक होकर मीता की तरफ देखने लगे। मीता बिगेन, मीता शुरू हुई, माई अंकल हु लिव्स देयर टुक मी टू द चर्च, मेरे चाचा जी जो वहां रहते थे वह हमें चर्च लेकर गए। टीचर क्या कहती है, वॉट डिड यू सी देयर, तुमने वहां पर क्या देखा, आक्स अमीना, ठीक है। अमीना वन ऑफ मीतास फ्रेंड, जो कि मीता की एक दोस्त थी, तो मीता की दोस्त का नाम क्या था, मीता की फ्रेंड का नाम अमीना। तो अमीना पूछती है कि तुमने वहां पर तब क्या देखा, तो मीता बोलती है, मीता वॉज अबाउट टू स्पीक, मीता जैसे ही बोलने वाली थी, व्हेन द टीचर स्टॉप्ड हर, उसकी जो टीचर रहती है वो मना कर देती है, मत बोलो। सी सेड, टीचर बोलती है, इफ मीता टेल अस राइट, अगर मीता हमको अभी सब कुछ बता देगी, तो आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं बेंडल चर्च का चित्र देख सकते हैं, बेंडल में है ये, ठीक है। जैसे ही मीता बताने वाली होती है
टीचर मना कर देती है, बोलती है कि अगर मीता अभी सब कुछ बता देगी तो नाउ अबाउट एवरीथिंग सी हैड सीन वी विल गेट फैमिलियर विथ ऑल इट्स डिटेल्स लेट्स द चर्च रिमेन अ सरप्राइज टू अस। टीचर बोलती है कि अगर मीता अभी सब कुछ बता देगी, एवरीथिंग मतलब सभी कुछ, सब कुछ बता देगी जो वो वहां पर देखी है, सीन यानी देखना, ठीक है, वी विल गेट फैमिलियर, फैमिलियर यानी परिचित विथ ऑल द डिटेल्स, डिटेल्स यानी विवरण, विवरण या फिर जानकारी, ठीक है, लेट्स द चर्च रिमेन, रिमेन यानी रहना, सरप्राइज यानी आश्चर्य, टू अस, तो जो टीचर होती है वो रोक देती है मीता को और बोलती है कि अगर मीता सब कुछ अभी बता देगी तो चर्च जो है वो हम लोगों के लिए सरप्राइज नहीं रहेगा, हम लोग तो सब कुछ चर्च के बारे में पहले से ही जान जाएंगे, तो वो मीता को बताने से मना कर देती है, ठीक है। सुनीता वन ऑफ द स्टूडेंट, सुनीता जो एक और स्टूडेंट रहती है, आक्स द टीचर, आक्स से पूछती, टीचर से पूछती है, देयर वाज सो मैनी प्लेस, ठीक है, वहां पर बहुत सारे जगह हैं, वी कुड हैव विजिटेड, वहां पर बहुत सारे जगह हैं जहां पर हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वाई हैव वी चोजन, चोजन यानी चुना, बैंडल चर्च देन, तब हम लोग बैंडल चर्च ही क्यों जा रहे हैं मैडम, तो द टीचर स्माइल्ड, टीचर स्माइल्ड की और बोली, अ वेरी गुड क्वेश्चन सुनीता, बहुत अच्छा प्रश्न है सुनीता, सी कंटिन्यूड, टीचर बताना चालू की, समटाइम्स वी विजिटेड अ प्लेस फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, कई बार, ठीक है, समटाइम्स यानी कई बार, कई बार हम लोग किसी भी जगह पे जाते हैं फन, मस्ती और एंजॉयमेंट यानी कि खुशी के लिए, एट टाइम आवर विजिटेड हेल्प्स अस टू टुगेदर वैल्यू इंफॉर्मेशन, इस बार, ठीक है, हम जिस जगह पे जा रहे हैं वह स्थान हमें गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर यानी इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, वैल्यूबल, वैल्यूबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कीमती, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, अबाउट द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति, कल्चर यानी संस्कृति ऑफ द प्लेस, उस स्थान के बारे में, ठीक है। सुनीता वाज क्यूरियस, सुनीता जो थी वो बहुत ही जिज्ञासु थी, इज बैंडल चर्च अ हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, जिसका संबंध इतिहास से हो, तो क्या, सुनीता पूछती है, क्या बैंडल चर्च कोई ऐतिहासिक जगह है मैडम, तो मैडम बोलती है यस माय चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन वेस्ट बंगाल, यह पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना चर्च है, सेड द टीचर, मतलब जितने भी पुराने चर्च है उसमें यह काफी पुराना चर्च है, मीता सेड, उसके बाद मीता कहती है, मैडम माई अंकल टोल्ड मी दैट इट कैन बी सीन एज ए मेमोरियल ऑफ द पुर्तगीज सेटलमेंट इन बंगाल, मीता बोलती है, मैडम मेरे चाचा जी ने बताया है कि यह जो बैंडल चर्च है उसे पुर्तगालियों के व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, मेमोरियल यानी याद, ठीक है, आपको मैंने बताया था मेमोरियल यानी याद, ठीक है, पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली, ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग आए थे जैसे कि अंग्रेज, ठीक है, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सेटलमेंट यानी कि आप कह सकते हो उपनिवेश, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ उपनिवेश,
जब वो लोग यहां पर आए तो उनके याद का इन्होंने इसी बैंडल चर्च को बनाया। तो ये माना जाता है कि पुर्तगाली लोग का ये बनाया गया पहला चर्च है यहाँ पर, तो इसको उनके याद के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अमीना लुक्ड कंफ्यूज्ड। अमीना जो थी वो असमंजस में थी। अमीना जो थी वो असमंजस में थी। आई डोंट थिंक आई क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट मीता सेड। और बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीता क्या बोल रही है। तो अब टीचर बताना चालू करती है। द टीचर पेशेंटली एक्सप्लेन टू द गर्ल्स। टीचर जो है पेशेंटली यानी धैर्य के साथ बताना चालू करती है। ओके लेट मी मेक इट क्लियर। ठीक है चलो इसको मैं ठीक से बताती हूँ। अराउंड 1571 द पुर्तगीज बिगन्स टू यूज बैंडल एज ए पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर पानी वाला जो जहाज है ना आकर रुकता है, बंदरगाह। जैसे बच्चों ट्रेन को रुकने के लिए स्टेशन की जरूरत होती है, जो रेल लाइन वाली ट्रेन होती है उसको रुकने के लिए स्टेशन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना वो कहाँ पर रुकेंगे, तो वो जिस जगह पर रुकते हैं उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। ठीक है, पोर्ट यानी बंदरगाह। तो जब पुर्तगाली लोग भारत आए तो बैंडल में उन्होंने पोर्ट बनाकर, बंदरगाह बनाकर वहां पर वो लोग रुकने लगे। ठीक है, वहां पर वो सबसे पहले आए। द मुगल एम्परर, मुगल बादशाह अकबर, गेव देम परमिशन। परमिशन यानी इजाजत टू बिल्ड अ टाउन इन हुगली। तो जो उस समय के मुगल बादशाह थे अकबर, उन्होंने पुर्तगालियों को इजाजत दे दिया कि ठीक है आप जाओ जाकर हुगली में अपना एक टाउन शहर बनाओ। ठीक है, एक छोटा सा जगह बनाओ। इन 1579 द पुर्तगीज बिल्ड अ पोर्ट। 1579 में जो पुर्तगाली लोग रहते हैं वो यहाँ पर आकर एक बंदरगाह बना लेते हैं ऑन द बैंक ऑफ द हुगली, हुगली नदी के पास। ठीक है, दे कॉल्ड ओवर ऑगस्टियन मॉन्क। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं करते हैं वो लोग, वो लोग एक ऑगस्टियन जो भिक्षुक होते हैं, ऑगस्टानियन, ऑगस्टानियन मॉन्क्स, मॉन्क्स का मतलब होता है भिक्षु जो रहते हैं, उनको बुलाते हैं फ्रॉम गोवा, गोवा से टू बिल्ड अ चर्च, यहाँ पर एक चर्च बनाने के लिए। ठीक है, कब? 1599 में। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो मतलब टेक्स्ट वाला हो रहा है। अब हम लोग इसका जो है वो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए आप ये सामने बुक रखिएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कंप्लीट द टेबल विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, वर्क विथ योर पार्टनर्स, वन इज डन फॉर यू। एक आपके लिए कर दिया गया है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट विजिटेड, कहाँ पर घूमने गए थे? बैंडल चर्च में। द लोकेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट जो है वो कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, हुगली नदी के किनारे। ये जो बैंडल चर्च है वो कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। ठीक है, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने लोग गए थे? टीम ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 विद्यार्थी गए थे ना। टीम ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 लोग गए थे। ठीक है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात, यानी आने जाने के लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया था? तो वो लोग तो बस से गए थे ना। द मुगल एम्परर मेंशन्ड हियर, यहाँ पर किस मुगल बादशाह का नाम लिया गया है? अकबर। द ईयर द चर्च वाज बिल्ट, किस साल में जो है वह चर्च बना? 1599 में। ठीक है, एक्टिविटी टू देखते हैं।
फाइंड आउट वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है उसका जो सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर यानी समान अर्थ, चैप्टर में से खोज करके यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो पहला वाला वर्ड है आंसर. आंसर का मतलब होता है उत्तर देना. तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, हमें इसका सिमिलर मीनिंग जो है वो टेक्स्ट से खोजना होगा. तो खोज कर हम इसका उत्तर लिख सकते हैं. तो कई बार सेट आंसर का है, हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके बदले में जब कहा जाता है तो उसको हम लोग आंसर्ड भी कहते हैं. तो इसका सही उत्तर होगा सेड. ठीक है, दूसरा है स्टेयरिंग. स्टेयरिंग का मतलब होता है असमंजस में पड़ना. ठीक है, इसको हम लोग क्या कई बार कहते हैं लुक्ड कंफ्यूज्ड. ठीक है, तीसरा नंबर है टोल्ड. टोल्ड मैंने कहा, तो टोल्ड का तो सिंपल है सेड. ओके, चौथा नंबर है स्टार्टेड. स्टार्टेड मैंने शुरू करना किसी चीज को, इसका बिगन. एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड मैंने निर्माण करना. ठीक है, एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है निर्माण करना, तो उसका क्या हो सकता है बिल्ड. और छठा नंबर है कैरिड ऑन. कैरिड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, इसका क्या होगा कंटिन्यू. कंटिन्यू. ठीक है, एक्टिविटी थ्री देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स इन द ब्रैकेट. तो सेंटेंस के हिसाब से जो वर्ब का फॉर्म बैठेगा वो आपको यहाँ पर बैठाना है, जो सही वर्ब का फॉर्म बैठेगा वो बैठाना है. ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस, लास्ट संडे पिछले रविवार रेवा विजिट या विजिटेड द जू. तो क्योंकि हमारा लास्ट संडे है, सेकंड मैंने पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा विजिटेड. ठीक, इसी तरीके से दे ड्रिंक या ड्रैंक कॉफी एवरी डे, तो क्या होगा यहाँ पर ड्रिंक यानी कि पीना. और प्रतिदिन कॉफी पीते हैं, वे प्रतिदिन कॉफी पीते हैं. ठीक है, इसी तरीके से तीसरा नंबर फार्मर्स. फार्मर्स का मतलब होता है किसान. किसान ग्रो या ग्रीव. क्रॉप्स इन द फील्ड. क्रॉप्स का मतलब होता है फसल. फील्ड यानी मैदान, वो मैदान में फसल उगाते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा ग्रो. ग्रो, ठीक है. इसी तरीके से फोर नंबर द बॉयज इंजॉय या इंजॉयड द फुटबॉल मैच यस्टरडे. तो जब भी पास्ट टेंस में क्या होगा ईडी लग जाएगा इंजॉयड. उसी तरीके से सुबीर सिंग्स या सैंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग यस्टरडे. यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म सैंग. ठीक है, उसके बाद आगे देखो वी गो वेंट टू स्कूल एवरीडे बाय बस. एवरीडे है तो यहाँ पर क्या होगा आपका गो होगा. वी गो टू स्कूल एवरीडे बाय बस. यहाँ पे बच्चों इसको समझने के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जानना होगा, साथ ही साथ आपको टेंस भी जानना होगा. अगर आप टेंस और वर्ब तीनों को जानते होंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो बाद में इसका भी एक क्लास आप लोगों को दे दिया जाएगा. ठीक है, इसी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मी ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें. इसी के साथ थैंक यू एवरीवन.